देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे 7 वर्ष प्रधानमंत्री के कार्यकाल पूरा होने पर गयासैंण के शाहमीर तकिया महादलित टोला में मन की बात के बाद महादलित परिवार में कोरोना से बचाव के लिए विस्तृत रूप से जानकारी दी गई एवं बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर एवं साबुन का वितरण किया गया। उपस्थित सभी नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यकाल के लेखा जोखा बतलाया एवं कोरोना से जंग से कैसे जीता जाए उसका हम लोग सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए मास्क अवश्य लगाएं एवं साबुन सैनिटाइजर का प्रयोग करें एवं एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। घर जीतेंगे बूथ जीतेंगे, जब बूथ जीतेंगे तब देश जीतेंगे, यही प्रधानमंत्री का कोरोना का मूल मंत्र है, इसे पालन अवश्य करें। इस कार्यक्रम में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में उपस्थित अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री अशोक प्रसाद भारती, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सहित तमाम लोग उपस्थित थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई जी के दिशा निर्देश और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब का दिशा निर्देश के अनुसार आज 30 मई को प्रधानमंत्री जी का मन की बात सुनने का 11 बजे का समय है। उसके पहले हम लोग का दलित बस्ती में, जो महादलित और दलित बस्ती है, उस बस्ती में जाकर दलित समाज के बीच में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन वितरण का कार्यक्रम किए। कितने लोगों को? लगभग 30 से 35 लोगों को मास्क, साबुन वितरण किए, सैनिटाइजर। अशोक प्रसाद भारती, जिला महामंत्री, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा, गया। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 7 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई और शुभकामना देते हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कि किसी दल टोला में जा करके मास्क, साबुन का वितरण करें और जिनसे, और 11 बजे से मन की बात कार्यक्रम सभी लोग, पूरे देश के लोग सुने कि हर महीना का अंतिम सप्ताह में होता है। आज 30 तारीख है, 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम है, 11 बजे से ज़्यादा लोग सुने, यही सब हमारा हम लोग। ठीक है, नाम बता दीजिए। संतोष ठाकुर, जिला मंत्री भाजपा।